अब खबरें विस्तार से। विश्वभूषण हरिचंदन ने गुरुवार को राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ के नौवें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली। उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती सुप्रभा हरिचंदन भी उपस्थित रहीं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण उपरांत प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिवादन किया और शुभकामनाएं दी। भारत के राष्ट्रपति ने श्री विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया है। नियुक्ति पत्र इस प्रकार है। मैं द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 द्वारा मुझमें निहित की गई शक्ति के आधार पर इसके द्वारा श्री विश्वभूषण हरिचंदन को उस तारीख से छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त करती हूँ जिस तारीख को वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में आज सन 2023 ईस्वी के फरवरी माह के 11वें दिन 22 मार्च 1944 शख्स राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। हस्ताक्षर द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, आपसे निवेदन है कि कृपया मनोनीत राज्यपाल महोदय को शपथ ग्रहण कराएं। मैं विश्वभूषण हरिचंदन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सदात पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा।